हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट में आप लोग यहाँ पे पे लेटर बैलेंस को कैसे आप लोग उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे और उसको कैसे आप लोग उसको यूज कर पाएंगे, सभी हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को इससे रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, मैं अकाउंट में आ चुका हूँ यहाँ पे। तो चलिए इसे फ्लिपकार्ट पे लेटर में क्लिक कर देता हूँ मैं। इस पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखते हैं, आपको दिखाई देता होगा जितना भी लिमिट होगा मेरे को यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देखते हैं, लगभग आपको यहाँ पे लेटर में मुझे यहाँ पे 25,000 मिला है और यहाँ पे एमआई में 87,000 के आसपास मुझे मिला हुआ है, जो कि अभी यहाँ पे देखते हैं मेरा यहाँ पे अभी एमआई चालू है। यहाँ पे देखते हैं, आपको दिखाई देता होगा 1,106 रुपया का एमआई 1 दिसंबर को पे करना है। तो यहाँ पे देखते हैं पूरा यहाँ पे चालू है। तो इसको हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे, आप लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखते हैं आपको दिखाई देता होगा स्क्रॉल। तो सिंपली यहाँ पे देखते हैं पे बिल करके भी आप लोग इस पैसे को यूज कर पाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे पे नो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोगों को यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कर सकते हैं, गैस पेमेंट कर सकते हैं, वाटर, इंश्योरेंस, एजुकेशन फी, पोस्ट पेड सभी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते सभी आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा, यहाँ पे सभी आप लोग इसमें से पेमेंट करवाएंगे। सिंपली यहाँ पे मोबाइल पोस्ट पेड में जैसे क्लिक कर दिया, जो भी आप लोगों को एयरटेल BSNL जियो तो उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के आप लोग यहाँ पे बिल को पेमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह से इसको यूज कर पाएंगे। और आप लोग जब भी शॉपिंग कीजिएगा तो मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आप लोग यहाँ पे परचेस करते हैं, तो चलिए यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट, चलिए मैं यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे, चलिए मोबाइल से यहाँ पे सर्च मार लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे कोई भी मैं भी यहाँ पे मोबाइल ले लेता हूँ। चलिए मोबाइल लेने के बाद यहाँ पे जैसे मोबाइल पे क्लिक, जैसे यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करूँगा तो चलिए आप यहाँ पे पूरा देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद यहाँ पे चलिए इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो आपके सामने में देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं आपको यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पे देखते हैं पे लेटर आपका कितना है। यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ पे कितना है, इतना है आपको बन सकता है, ईएमआई भी पेश कर सकते हैं, इतना बनेगा, सब आप लोग इसको यूज कर पाएंगे। यहाँ देखते हैं आपका इतना रुपया है तो आपका यहाँ पे लेटर से कट जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोग इसको यूज कर पाएंगे। तो अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।